हमारे बच्चे और मित्रों को मैं कहती हूं कि नाम में सरकार से संपर्क करते हुए हमारे आने के लिए हमारे आदत में बड़ी नेता महत्वपूर्ण हमला जयंत सिंह जी अध्यक्ष भयपुर और हमारे सभी भयपुर सरकार के भ्रंशा के में Yeah.
के साथ बहुजन समाज पार्टी है माननीय आदरणीय बहन जी, चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और हमें इस चुनाव में सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी इसकी आड़ में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत चलकर हमें गठबंधन में बहुत कम सीटें देकर हमारी पार्टी को ही एक प्रकार से ना कमजोर व खत्म कर देना चाहती थी। और आप लोगों को वैसे कांग्रेस पार्टी के बारे में, इस पार्टी के इतिहास के बारे में ये मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, तो इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं लाया। इनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी बनी रही, जिसकी वजह से फिर हमें इन वर्गों के हितों में मजबूर होकर यदि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के हितों में कार्य किया होता, खासकर दलितों, आदिवासियों, बैकवर्ड क्लास, अकलियतों के हितों में कार्य किया होता, तो फिर माननीय श्री कांशीराम जी को 14 अप्रैल 1984 को इन वर्गों के हितों में अपनी अलग से बहुजन समाज पार्टी नहीं बनानी पड़ती, अपना राजनीतिक संगठन अलग से नहीं बनाना पड़ता। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारे साथ चुनावी समझौता तो करना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें गठबंधन में बहुत कम सीटें देकर हमारी पार्टी को एक प्रकार से खत्म करना चाहती है। अर्थात कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है
कि इस देश में इन वर्गों के लोग केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेकर अपने समाज को अपने समाज के लोगों को पैरों पर खड़ा कर सके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के इस रवैये को ही ध्यान में रखकर तब फिर हमने ये चुनाव अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में यहाँ अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आप लोगों को इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ के प्रदेश की जनता को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी बीएसपी पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इस खास बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ के राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम, ईसाई व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का कोई खास विकास या उत्थान नहीं हो सका, जिसके शासनकाल को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से यहाँ के राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उसे यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियां प्रभावहीन बनाने में व इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी। यही मुख्य वजह है कि देश में लंबे अरसे तक यह राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस में बीजेपी के अंदरूनी मिली भगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक निष्प्रभावी ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था के बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इस खास बात को ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत
आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था। और फिर इसे लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। आप लोगों को ये मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से तो SC ST के लोगों को तो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की सुविधा मिल गई थी। तो लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया था, तय किया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो उस समय जिनको आज हम अन्य पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं, जब इस देश में जो शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, तो जब इनका शेड्यूल तैयार हुआ, तो उस समय जिन्होंने अपनी जाति को नहीं छिपाया तो वो लोग अनुसूचित जाति जनजाति में आ गए। तो उनको 3 क्राइटेरिया के आधार पर, 3 आधार पर, तो जो लोग शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, तो इन लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो जो दलित और आदिवासी लोग थे, ये 3 क्राइटेरिया के आधार पर फिट बैठते थे, इनको इसी आधार पर भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की सुविधा दी। लेकिन जिन्होंने अपनी जातियों को छिपाया हुआ था, और जब ये शेड्यूल तैयार हो रहा था, तो वो लोग जो जातिवादी लोग हैं उनके बहकावे में आ गए, नकली अपर कास्ट समाज के लोग बन गए, नकली ब्राह्मण बन या क्षत्रिय बन गए। लेकिन जब देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और दलितों और आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा मिली, तो फिर इन लोगों की आंखें खुली, जिनको आज हम अति पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम था कि बहुत सी काफी ऐसी जातियां हैं जो बहकावे में आ गई हैं, जो अपर कास्ट लोगों के बहकावे में आ गई हैं, जातिवादी लोगों के बहकावे में आ गई हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि इस देश में दलितों और आदिवासियों के अलावा तो कुछ और भी ऐसी जातियां हैं जो शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, तो इन्हें भी SC ST की तरह आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 340 के तहत पहले काका काले का कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई, फिर मंडल कमीशन बना, तो उसके आधार पर इस देश में SC ST को छोड़कर जो अन्य जातियां जिनकी शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, तो उनका एक अलग से शेड्यूल बना, जिनको आज हम अन्य पिछड़े वर्गों के नाम से जानते हैं। और फिर इन लोगों को आरक्षण दिलाने के, इन लोगों के लिए आरक्षण के लिए फिर मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, और मंडल कमीशन ने ये कहा कि ये जो SC ST को छोड़कर कुछ और काफी ऐसी जातियां हैं जिनकी शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक स्थिति SC ST की तरह को भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी उसके समय उनके समक्ष रखी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करवाया। हमारी उधर हमारी पार्टी का गठन हो चुका है, तब फिर हमारी पार्टी ने अति पिछड़े वर्गों के लोगों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, तो इनको भी रिजर्वेशन दिलाने के लिए फिर हमारी पार्टी ने
तो पूरे देश भर में काफी कड़ा विरोध किया। और इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के साथ साथ यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में इन वर्गों के हितों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और इन्हें भी पूरे देश में एससी में एससी की तरह आरक्षण की सुविधा मिले। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब बीएसपी के अपने प्रयासों से केंद्र में श्री बीपी सिंह की रही सरकार ने इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था, तो तब फिर उस समय इनको भारतीय समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया था। इसके साथ ही फिर इन्होंने पूरे देश भर में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। इसके साथ साथ उस समय बीएसपी के अथक प्रयासों से फिर इन वर्गों के मसीहा वे भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी इसी श्री बीपी सिंह की सरकार में ही भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अर्थात केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने इनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इसके साथ ही अब इन्होंने खासकर दलितों आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों के हित में बने कानूनों को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया है, जिससे इन पर जुर्म जाति करने वाले लोगों का अब मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की 70 कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार ने और ना ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी कोई विशेष संज्ञान लिया है। इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत पूरे देश में अभी तक भी यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारी पार्टी ने यह मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ एक बात भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं बार बार जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और जो अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम व अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो गरीब लोग हैं, अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं, तो मैं बार बार ये इन गरीब लोगों के हितों में आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बात क्यों करती हूँ? क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन लोगों को माइनोरिटीज में से और अपर कास्ट में से गरीब लोगों को सामाजिक आधार पर सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि समाज में ये पिछड़े हुए नहीं है, क्योंकि इस देश की जो जातिवादी व्यवस्था है उसके आधार पर समाज में इनका जो दर्जा है वो ऊंचा है। वीकर सेक्शन के लोग सामाजिक क्षेत्र में है वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग बैकवर्ड नहीं है। तो लेकिन हमें इसलिए मैं बार बार आर्थिक आधार पर क्यों बात करती हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं उनकी भी निर्देश है, उनको भी चाहती है हमारी पार्टी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो क्राइटेरिया अभी तक भारतीय संविधान में है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा जो शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो जो अभी तक जो व्यवस्था है उसके आधार पर तो इनको ये आरक्षण की सुविधा नहीं मिल सकती, ना मुस्लिम ना धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और ना ही अपर कास्ट के गरीब लोगों को।
तो अब इसके लिए इसलिए मैं बार बार आर्थिक आधार पर क्यों बात करती हूँ, क्योंकि आर्थिक आधार पर इनको आरक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते जब ये केंद्र की सरकार भारतीय संविधान में संशोधन कर दी, संशोधन करके। इसलिए हमने केंद्र को कि हमारे हाथ में होता तो मैं उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बने, तो मैं बहुत पहले उनको ये आरक्षण की सुविधा दे दी। तो जिन राज्यों में जब बाकी में आरक्षण की सुविधा दे दी जाती है वो आगे चलकर कोर्ट कचहरी में जाकर रुक जाता है, उनका मामला ठंडा पड़ जाता है। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं तो इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। लेकिन ये व्यवस्था कौन करेगी? केंद्र की सरकार, क्योंकि इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी पार्टी ने इनको आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ये केंद्र की सरकार ही कर सकती है। लेकिन इस मांग और इस मामले को हमारी पार्टी ने अनेकों बार संसद में भी उठाया है, जिस पर केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार ने और ना ही अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों की तरह आपके राजस्थान प्रदेश में भी सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी एवं अन्य मेहनत लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व्यक्ति ही नजर आते हैं, और इनमें किसान लोग तो यहाँ सबसे ज्यादा दुखी व परेशान है। इसके साथ ही मैं खास रूप से किसानों को ये कहना चाहूंगी कि अब कांग्रेस पार्टी किसानों के वोट के स्वार्थ में कहती है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में आ गई तो 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार से पहले यहाँ राजस्थान में श्री गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैं किसानों से पूछना चाहती हूँ उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कर्जा कोई अभी भी कर्जा बरसों से चला रहा किसानों के ऊपर, लेकिन किसानों की बात सब करते हैं लेकिन इनके हितों में कोई कदम नहीं उठा रहा। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में राज्यों में विभिन्न पार्टियों की नई सरकारों की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से अब यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी, और खासकर डीजल पेट्रोल व रसोई गैस आदि की वर्तमान में लगातार बढ़ रही कीमतों ने तो पिछले कुछ समय से लगातार कीमतें बढ़ी, और जैसे इलेक्शन अनाउंस हुआ तो थोड़ी थोड़ी कीमतें इन्होंने अब कम करनी शुरू की है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर बढ़ा देंगे। तो इन बढ़ी हुई कीमतों ने तो अब यहाँ लोगों को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के खासकर नोटबंदी एवं जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ देश की अधिकांश जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धरना सेठों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब व आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। कभी सही मायने में यहाँ की जनता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई वे अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ ही जहाँ तक आपके राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में गरीबी
एवं बेरोजगारी को दूर करने का सवाल है, तो इस मामले में केंद्र में अधिकांश रही कांग्रेसी सरकार ने व वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक जो भी केंद्र या योजनाएं संचालित की हैं, चाहे कांग्रेस ने अपनी हुकूमत में की हो, केंद्र की सत्ता में रहकर या वर्तमान बीजेपी की सरकार ने अभी तक जो भी केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं, तो उनके अब काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी इन योजनाओं से ना तो यहाँ की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर हुई है और ना ही आम जनता की गरीबी व बेरोजगारी में कोई खास कमी आई है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश की छूता नहीं रहा है। लेकिन इन सबका मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ताया गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही मानकर चलती है। और इन विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग सभी विरोधी पार्टियां केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाशीलों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना क्षेत्रों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक भी यहाँ सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही एक अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना क्षेत्रों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यह सरकार बनाई है और हमने अपनी सभी चारों सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया है, जिनकी हर मामले में वे हर स्तर पर विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों की तरह खासकर वहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में वहाँ सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने वहाँ गरीबों मजदूरों किसानों
वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिया है। और इस मामले में हमारी नई सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी नई सरकार ने यहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से बचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय, हमने केवल विकल सेक्टर का ही नहीं, हमने केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ही नहीं, बल्कि हमने अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा। अर्थात हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी चारों नए शासनकाल के दौरान अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके राजस्थान प्रदेश में हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ के प्रदेश में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश की व आम जन हित से जुड़ी जो भी यहाँ सामने समस्याएं होंगी तो फिर उन्हें भी दूर करने का संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन इन सब कार्यों को करने के लिए अब आप लोगों को यहाँ की रुकी सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पढ़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दल भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना। आप लोगों को ये मालूम है कि बीजेपी ने किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। केंद्र में बीजेपी की सरकार में श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने लगभग पूरे 4.5 साल के अंदर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके तो जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनका वोट लेने का इन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया। लेकिन एक तरफ तो इन्होंने दलितों के वोट के लिए किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन वही दूसरी तरफ तो दलितों का बड़े पैमाने पर इन्होंने उत्पीड़न किए। यह आप लोगों से छिपा नहीं है, लेकिन जब दलित वर्ग के लोगों को ये एहसास हुआ, आदिवासियों को ये एहसास हुआ कि ये तो केवल अपने स्वार्थ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये लोग नाम ले रहे हैं, उनके जो ऐतिहासिक स्थल हैं तो उनको सम्मान देने के लिए कदर को थोड़ा घना ये कुछ फैसला ले रहे हैं, लेकिन इनके मानने वाले लोगों का अनुयायियों का ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से मालूम है। और जब इससे भी इनका काम नहीं चला और ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी में भी जो दलित और आदिवासियों के प्रति जो जातिवादी मानसिकता ही मानसिकता है वो अभी तक भी बदली नहीं है। और इतना ही नहीं, अभी तक तो बीजेपी के लोगों ने जातिवादी लोगों ने आरएसएस के लोगों ने
तो इंसान को जातिवाद में बांटा और अब तो ये भगवानों को भी जातिवाद के आधार पर बांटने लगे। और यही नहीं, दलितों को जब लगा बीजेपी को कि दलित इनके हाथ में आने वाला नहीं है, तो दलितों को खुश करने के लिए तो इन्होंने हनुमान को ही तो दलित जाति का उतारा। किसने उतारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी ने। तो मैं श्री योगी को ये कहना चाहती हूँ कि आपने हनुमान को दलित वर्ग का तो बता दिया है, तो मैं योगी से ये भी कहना चाहती हूँ, इसके साथ साथ एक फरमान और जारी इनको कर देना चाहिए कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी तो हनुमान जी के मंदिर हैं, तो वहाँ पर पुजारी को दलित वर्ग को ही बैठा देना चाहिए। बड़ी कृपा हो जाएगी, तो जो पुजापा आता है तो कम से कम उससे कुछ भला तो हो जाएगा, तो उतना पूजा पाठ में पैसा आता है तो उससे कम से कम दलित वर्ग के लोग उस पैसे से हॉस्पिटल शिक्षण संस्थान आदि खोलकर उनका भला तो कर सकते हैं। ये भी प्रमाण जानकर मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता ये करने वाले। और किस्म किस्म के हक में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस संबंध में और इतना ही नहीं, आप इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश या विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया वे ओपिनियन बोर्ड एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो इनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के घटावे में भी कतई नहीं आ रहा है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनार कर देती हैं। जैसे सन 2014 में देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी ने खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी जनसभा में ये कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर 100 दिनों के अंदर अंदर ही देश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। ये उन्होंने पिछले लोकसभा के आम चुनाव में अपनी हर चुनावी जनसभा में कहा था, जिसे उन्होंने अब अपनी सरकार के लगभग 5 वर्ष पूरे हो जाने पर भी अपने इस प्रलोभन भरे चुनावी वायदे को अभी तक भी पूरा नहीं किया। ऐसे अनेकों और वादे किए थे तो वो भी इन्होंने ठंडे बस्ते में ही डाल दिए हैं। और आप इनको मालूम है कि लोकसभा का आम चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीनों में देश में लोकसभा का आम चुनाव भी होने वाला है। बीजेपी के लोग बहुत परेशान हैं, इन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। और आपको अब इन्होंने 4.5 साल का जब इनकी सरकार को बने हुए 4.5 साल हो गए, तो इनको उत्तर प्रदेश में अयोध्या में तो राम मंदिर के निर्माण का इनको ख्याल नहीं आया, याद नहीं आया। 4.5 साल तक के कुंभकर्ण की नींद के रास नींद वायदों पर खड़े नहीं उतरे, अपने चुनावी वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए और जनता इनके खिलाफ अब होती हुई नजर आ गई है। तो आप ये धर्म की आ गए, अब ये भगवान की आ गए हैं, तो आप ये बीजेपी के लोग अब क्या कर रहे हैं? अपने सहयोगी संगठनों को आगे करकर आरएसएस बीएसपी के अन्य जो सहयोगी संगठन है उनको आगे करके अब ये राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आज बीजेपी के तहत ही बीजेपी के प्लानिंग के तहत ही आरएसएस बीएसपी जो इनके अन्य संगठन है, तो इन्होंने दिल्ली में तो एक अपनी संकल्प रथ यात्रा इन्होंने शुरू की है राम मंदिर निर्माण के लिए। तो मैं बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से इनके सहयोगी संगठनों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये नारा करने की क्यों जरूरत पड़ गई है?
क्योंकि यदि आपने अपने चुनावी वादे पूरे किए होते तो शायद इनको ये रथ यात्रा या राम का सहारा इनको नहीं लेना पड़ता। और जबकि इनको बीजेपी के सहयोगी संगठनों को ये मालूम होना चाहिए आरएसएस के लोगों के बीजेपी के लोगों को कि राम मंदिर निर्माण का जो विवादित मामला है ये अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है। तो जबकि इनको आरएसएस के लोगों को चाहिए था ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबे अरसे से लंबित पड़ा है, इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ये अपने हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। अब ये राम मंदिर निर्माण का ये लोग सहारा ले रहे हैं, तो यदि इनकी मानसिकता सही होती तो सही होती तो राम मंदिर निर्माण के लिए साढ़े चार साल तक इनको राम मंदिर का निर्माण याद नहीं आया। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लटका पड़ा था तो इनको ये रथ यात्रा निकालने की बजाय नाटक करने की बजाय इनको मामले सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि इस मामले की जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए ताकि ये विवादित मामला हल हो जाए। और इसके आगे जो घिनौनी राजनीति की जा रही है तो ये धंधा ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो धंधा है राजनीतिक रोटी सेकने का ये बंद हो जाए। यदि इनकी सचमुच ईमानदार ईमानदार सोच होगी तो इनको ये संकल्प रथ यात्रा निकालने की बजाय तो इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, उनसे रिक्वेस्ट करके अपील करके इस मामले की जल्दी सुनवाई करें। लेकिन उधर जाने की बजाय तो ये क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाए। अरे सरकार तुम्हारी है, नाटक करने वाले तुम लोग उन्हीं के हो तो किससे तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। तुम यदि अध्यादेश कानून बनाने की बात करते हो तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहती हूँ, इनके सहयोगी संगठनों से, वैसे तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं करना चाहे और ये कहते हैं कानून बनना चाहिए तो मेरा ये कहना है अध्यादेश जारी करने से पहले कानून बनाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर तो आम सहमति बनानी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए कि सर्व सारी पार्टियां चाहती क्या, सारी पार्टियां क्या चाहती है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन ये सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे हमारी पार्टी तो चाहती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इनको सम्मान करना चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि इस फैसले की जल्दी सुनवाई करें। लेकिन ये एक एक सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत केवल संकल्प यात्रा निकालकर जो साढ़े चार साल तक केंद्र में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है उस पर पर्दा डालने के लिए अपनी विफलताओं को पर्दा डालने के लिए ये केवल इनका नाटक है, इसके सिवाय कुछ नहीं। और इस मामले में मैं जो चुनावी वायदों की बात कर रही हूँ तो चुनावी वायदे जो भी पार्टी चाहे केंद्र में पावर में आए राज्य में आए तो सत्ता में आने के लिए ये पार्टियां बढ़िया बढ़िया प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती हैं फिर अपने वायदों को भूल जाती है। बीजेपी का आप लोगों ने देखा अपने वायदों को भूल गए। और इस मामले में प्रलोभन भरे चुनावी वायदों को पूरा करने के मामले में लगभग यही रवैया हमें केंद्र और राज्यों में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकारों का भी देखने के लिए मिला। और मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस के लोगों को जो आप चुनाव के दौरान में चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो या किसी प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो जो आप अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं यदि आपने अब तक 50% भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए वायदों को यदि पूरा किया होगा तो आज कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में या आपके राजस्थान प्रदेश की सत्ता से आज आपको भाग नजर नहीं आता। कांग्रेस का प्राण नहीं होता क्योंकि इन्होंने भी अपने वायदों को पूरा नहीं किया और ना ही उन्हें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी।
कहने का बात नहीं है कि अब आप लोगों को कांग्रेस व बीजेपी आदि के चुनाव में जारी किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में कतई नहीं आना है। हालांकि इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती, क्योंकि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को अपने खुद के वे अपने राजस्थान प्रदेश के हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसकी करनी व करनी में कोई अंतर नहीं होता है। और जो हमारी ये पार्टी अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह ही अपनी पार्टी की जिसके लिए आप लोगों को जहाँ विधानसभा का आम चुनाव कर रहे हैं आपके क्षेत्र से आज पार्टी विधानसभा की सीटों से तो हमारी पार्टी के विधानसभा का जो आम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे सभी उम्मीदवारों को हमारी पार्टी के उम्मीदवार आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हैं। मेरी आप लोगों से ये पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को तो बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना। उनके आखिरी तालियों की गड़गड़ाहट से यह पूरा रिजल्ट आने से पहले ही ये भरोसा हो गया है कि आप लोग इनको जरूर जिताएंगे, भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आपकी अपार भीड़ आपका जोश और खरोश उससे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को जरूर जिताएंगे। हमारी माताएं बहन भी बड़ी तादाद में तो बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए तो यहाँ पर आई हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि वोट वाले दिन हमारी माताएं बहने वोट वाले दिन अपने घरों में चूल्हा बाद में जलाएंगी, आप लोग खाना बाद में पकाएंगे तो आप लोग सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपने अपने पोलिंग बूथों पर पुरुषों से आगे निकलकर आप अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपने उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और हाथी जैसी आपकी विशाल आबादी है, तो मेरे आप लोगों से पूछो अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। राजस्थान प्रदेश के सामने में इनको जरूर जिताकर भेजना है। इस अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम जय भारत। Hola.